स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर आज मैं आपको एक्सपोटेरेंट एंड एमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैं एक्सप्लेन करूँगा शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से आपका पहला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एक्सपोटेरेंट एंड एमेटिक्स ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है जो कि नाइन्टी से लेकर के टू के बीच में कई बार फार्मेसी के एग्ज़ाम में आ चुका है तो शुरुआत करते हैं इसके आंसर से द ड्रग दैट रिमूव स्पूटम फ्रॉम द रेस्पेटरी ट्रैक्ट आर नोन एज एक्सपोर्टरेंट यानी ऐसे ड्रग जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से यानी श्वसन तंत्र से स्प्यूटम स्प्यूटम का मतलब होता है खखार यानी एक ऐसा थूक जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है उसको निकालने का काम करता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सपोट एक्सपेक्टोरेंट दीज ड्रग्स आइदर इंक्रीज़ द फ्लूडिटी ऑफ स्प्यूटम और इंक्रीज़ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूड दैट आर टू बी एक्सपेल्ड फ्राम द रिस्पेट्री ट्रैक्ट बाई कफिंग ये जो ड्रग्स होते हैं या एसप्यूटम के फ्लूडिटी यानी बहाव को या तो बढ़ा देते हैं या फिर फ्लूड के वॉलीम को बढ़ा देते हैं जिसके कारण हमारे रिस्पेट्री ट्रैक्ट में फंसे हुए जितने भी स्प्यूटम हैं वो कफिंग के जरिए यानी कि खखार के जरिए बाहर आ जाते हैं एक्सपेक्टोरेंट आर यूज ओरली टू स्टमुलेट द फ्लो ऑफ रिस्पेटरी ट्रैक सेक्रेशन। एक्सपेक्टोरेंट जो ड्रग्स हैं वो ओरली ही हमारे मुँह के अंदर जो तंत्र में मौजूद चिपचिपा पदार्थ है उसे स्टमुलेट करके निकालने का काम करते हैं यानी सिक्रेशन करने का कार्य करते हैं एक्सपोटरेंट आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पेटरी डिसऑर्डर इन विच सेक्रेशन आर विस्किस्ट और एक्सेसिव एग्जाम्पल अस्थमा एक्सपोटरेंट का इस्तेमाल रिस्पेटरी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है जो अस्थमा वाले मरीज होते हैं उनका अंदर रिस्पेटरी सिस्टम के अंदर धूल के कण के कारण उनके जो स्प्यूटम है वो चिपचिपे हो जाते हैं जिनको बाहर निकालने के लिए एक्सपोटरेंट का इस्तेमाल होता है देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सपोटरेंट सैडेटिव टाइप्स और स्टिमुलेट टाइप दो तरह के एक्सपोटरेंट होते हैं पहला सैडेटिव टाइप्स और दूसरा स्टिमुलेट टाइप आइए बात करते हैं पहले टाइप सैडेटि टाइप्स के बारे में सैडेडी टाइप एक्ट बाय इरिटेटिंग गैस्ट्रिक मिकोसा देयर बाय स्टिमुलेटिंग रेस्पेटरी ट्रैक्ट सिक्रेशन एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइट सीरप ऑफ आईपीक सीरप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले टाइप जो सडेटिक टाइप्स है इसमें हमारे कैविटी के अंदर बॉडी कैविटी के अंदर गैस्ट्रिक म्यूकेशा होते हैं ये जब हम लोग इस तरह के ड्रग्स लेते हैं तो हमारे बॉडी कैविटी के अंदर मौजूद गैस्ट्रिक म्यूकेशा को ये इरिटेट करते हैं जिसके कारण हमारे श्वसन तंत्र में मौजूद चिपचिपा पदार्थ जिसे स्प्यूटम कहा जाता है वह खखार के साथ बाहर आ जाता है हमारा सेकेंड टाइप है एस्टूबल टाइप दीज ड्रग एस्टिमुलेट सेकटरी सेल्स ऑफ रेस्पेटरी ट्रैक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड दस मोर फ्लूड इज प्रोड्यूस इन रेस्पेटरी ट्रैक एंड स्प्यूटम गेट डायल्यूटेड एग्जाम्पल यूकोलैप्टस ऑयल लेमन ऑयल इस तरह के टाइप्स में ड्रग्स जब लिया जाता है तो उसे किसी भी तरह के गैस्ट्रिक म्यूकेसा के जरिए इरिटेशन पैदा नहीं होती बल्कि सेल्स के अंदर मौजूद सिक्रेशन होते हैं जो स्टिमुलेशन यानी कि अंदर में एक हलचल पैदा करते हैं रिस्पेटरी ट्रैक्ट में यानी स्वसन तंत्र में जिससे वो अंदर मौजूद जो भी पदार्थ हैं चिपचिपे पदार्थ जिसे कि स्प्यूटम कहा जाता है वो बाहर की तरफ फ्लूड के साथ आते हैं और इससे जो भी हमारे रिस्पेटरी सिस्टम यानी रिस्पेटरी ट्रैक्ट में गंदगी होती है वो बाहर आ जाती है कफ के द्वारा इसके एग्जाम्पल हैं यूकीलिप्टस ऑयल और लेमन ऑयल आइए अब बात करते हैं एमेटिक्स के बारे में द ड्रग विच प्रोड्यूस वोमिटिंग आर कॉल्ड एमेटिक्स दिस ड्रग्स रिमूव फ्लूड फ्रॉम रिस्पेट्रिक ट्रैक्ट एंड रिजल्ट इन एक्सपल्सन ऑफ अस्टोमिक कंटेंट ऐसे ड्रग्स जो वोमिटिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें एमेटिक कहा जाता है वोमिटिंग का अर्थ होता है उल्टी करवाने में मदद करना ये ड्रग्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर फंसे हुए जो भी चिपचिपे पदार्थ हैं या फिर हमारे अष्टमक के अंदर मौजूद कंटेंट जो कि पचे हुए नहीं है उसके एक्सपेल्सन में मदद करते हैं और वॉमिटिंग करवाने में मदद करते हैं एमेटिक आर एक्टिंग आइदर बाय स्टमलेटिंग सी टी जेट और बाय जी आई टी इरीटेशन एमेटिक्स वर्क करते हैं सी टी जेट पर सी टी जेट का मतलब होता है कैम ट्रिगर जोन कैमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन का अर्थ ये हुआ कि हमारे मेडुला ऑब्लगेंटा ब्रेन में मौजूद एक स्थान है जो कि केमिकल अनबैलेंस के कारण वोमेटिंग के लिए उत्तरदायी होता है तो ये ड्रग्स लेने पर हमारे मेडुला ऑब्लगेंटा में मौजूद सी टी जेट के द्वारा ये वोमेटिंग करवाने में मदद करते हैं और जी आई टी का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टीनियल इरीटेशन यानी कि हमारे स्टमक के अंदर मौजूद या बॉडी पार्ट में मौजूद किसी भी स्थान पर गैस के कारण जो इरीटेशन पैदा होती है उससे वॉमिटिंग होने होने लगती है तो ये दो प्रकार हैं जिसके द्वारा एमिटिक्स के ड्रग्स वॉमिटिंग करवाने में मदद करते हैं इमेटिक्स को भी दो तो टाइप्स में बांटा गया है एमिटिक्स आर ऑल्सो क्लासीफाइड इंटू टू ग्रुप द फर्स्ट वन इज स्टमन टाइप एंड द सेकेंड वन इज इरिटेंट टाइप आइए बात करते हैं फर्स्ट टाइप स्टूमेलेंट टाइप के बारे में दिस ड्रग स्टूमलेट सी टी जेड इन द मैडोला ऑब्लोगेंडा एंड इंड्यूस वामिटिंग एग्जाम्पल मॉर्फिन एरोगेटा एल्कोलाइट्स ये ड्रग्स जिनमें मॉर्फिन और एरोगेट एल्कोलाइट्स आते हैं ये हमारे ब्रेन में मौजूद मैंडेला ऑब्लोगेंटा में उत्तेजना पैदा करते हुए जिसमें सी टी जेट यानी केमोरिसप्टर ट्रिगर जोन जिसे कहा जाता है वहाँ स्टिमुलेट करके वोमेटिंग करवाने के लिए उत्तरदायी होते हैं और इसका दूसरा टाइप है इरिटेंट टाइप दीज आर कॉसिंग इरिटेशन ऑफ सेल ऑफ जी आई टी एंड बाय रिफ्लेक्स मैकेनिज्म वोमेटिंग इज ऑब्जर्व एग्ज़ाम्पल एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट सी यू एस ओफ और एन ए सी एल इरिटेंट टाइप के अंतर्गत गैस के द्वारा इरिटेशन पैदा करके रिफ्लेक्स मैकेनिज़म के द्वारा वामिटिंग करवाया जाता है इनमें ड्रग्स आते हैं एंटीमनी पोटेशियम टाइट्रेट कॉपर सल्फेट सी यू एस और सोडियम क्लोराइड एन ए सी एल आइए अब बात करते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है राइट अ ब्रीफ अबाउट अमोनियम क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसीलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमोनियम क्लोराइड से जिसका फॉर्मूला होता है एन एच फोर सी एल इसका सिनोमियम है साल अमोनिक अमोनियम म्यूरी एट प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है कलरलेस होता है ऑर्डरलेस एंड हैज़ ए कूलिंग सेल्विंग टेस्ट इसके तीसरी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इट इज़ अ स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक यानी ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है और चौथी बात की जाए तो इट इज़ अ मोर सोल्यूबल इन वाटर बट फ्रीली सोलबल इन ग्लिसिन इसकी चौथी प्रॉपर्टी यह है कि ये वाटर के साथ सोलबल है लेकिन ग्लिसरीन के साथ भी ये थोड़ी बहुत सोलबिलिटी दिखाता है अब बात करते हैं इसके इनकम्पेटिबलिटी के बारे में तो इनकम्पेटिबलिटी ये एल्केन्स अल्केलेस के साथ सो करते हैं लीड सॉल्ट के साथ शो करते हैं वार्फिन के साथ सो करते हैं अब बात करते हैं इसके स्टोरेज की किस तरह से इसे स्टोर किया जाए तो इट इज़ स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर एक, आ, इसे एक क्लोज टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर करना चाहिए एक्शन और यूज की बात की जाए तो एसन एक्सपोटरेंट यानी इसे एक्सपोटरेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है हमने अभी देखा था इसके एग्जाम्पल्स और दूसरा एसन एसिडीफाइंग एजेंट और तीसरा टू मेंट टू मेंटेन फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस यानी हमारे बॉडी में एसिड बेस बैलेंस बनाए रखने में इसका इस्तेमाल होता है और चौथा ऐसा डायरेटिक डायरेटिक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है दूसरी बात करते हैं पोटेशियम आयोड आयोडाइट के बारे में इसका फार्मूला है के आई इसकी प्रॉपर्टी है कि ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक है और तीसरी बात की जाए तो ये सैलिन बीटर टेस्ट का होता है सॉलिबल इन वाटर है एंड ग्लिसरीन, ग्लिसरीन और वाटर के साथ ये सॉलिबल है और तीसरी बात यह है डेलिक्वेंसड सॉल्यूशन इज अल्कलाइन ये अल्कलाइन सॉल्यूशन के जैसा होता है इनकम्पैटिबिलिटी की बात की जाए तो ये आयरन कॉपर और मरकरी के साथ इनकम्पैटिबल नेचर शो करता है अब इसके यूज़ की बात की जाए तो ये भी एक्सपोटेरेंट के रूप में इस्तेमाल की जाती है और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेंसर के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है तीसरा इस्तेमाल इसका एस अ सोर्स ऑफ आयोडीन इसका चौथा इस्तेमाल इन अ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपो यानी कि थायरोडिज़म थायरॉइड के केस में इसका इस्तेमाल होता है और पांचवा ऐसा स्टेबलाइजर फॉर आयोडीन सॉल्यूशन आयोडीन सॉल्यूशन के स्टेबलाइजर में इसका इस्तेमाल किया जाता है आइए अब बात करते हैं तीसरे कंपाउंड एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट के बारे में इसका फॉर्मूला सी फोर एच फोर के ओ सेवन एस बी है टार्ट्रेट एंटीमनी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ये कलरलेस ऑर्डरलेस क्रिस्टल अ टेस्ट। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि सोलबल इन वाटर इनसॉल्यूबल इन एल्कोहल इन इन वाटर के साथ सोलबल है और एल्कोहल के साथ इनसॉलिबल है तीसरा इट सो ऑन एक्सपोज टू एयर एयर में रखने पर यह इफ्लोरसेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं स्टोरेज की बात की जाए तो इट इज़ स्टोर इन अ टाइटली क्लोज कंटेनर टाइटली क्लोज कंटेनर में इसे स्टोर करना चाहिए यूज़ की बात की जाए तो ऐसा एक्सपोटेरेंट एमेटिक्स एक्सपोटेरेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है एमेटिक्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है इसका इस्तेमाल चिस्टोस्मल के रूप में भी होता है एंटी चिस्टमो चिस्टोस्मल के रूप में और तीसरा आईवी इंजेक्शन ऑफ एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज़ यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कालाजार कालाजार के ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल आईवी इंजेक्शन के रूप में होता है लाइक जरूर करें दोस्तों के बीच शेयर करें और कमेंट में अपने सुझाव देना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय